हम अभी आए हुए हैं बुद्धा मार्ग। जी हाँ, बुद्धा मार्ग ये वो मार्ग है जहाँ पे पटना का इस्कॉन टेम्पल है। इसकी कल उद्घाटन हुई थी, ओपनिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। बुद्धा मार्ग ये अभी ये बुद्धा मार्ग मेन रोड है और हमारे पीछे ये आप देख रहे हैं इस्कॉन टेम्पल है। मथुरा और गुजरात के बाद ये तीसरा नंबर जो है पटना का आता है ये इस्कॉन टेम्पल का। हमारे जो लेफ्ट साइड में है ये कोतवाली की तरफ चला जाता है और ये राइट साइड में अगर इधर आप बात कर रहे हैं तो इधर आपको स्टेशन की तरफ वो रास्ता चला जाता है। इस्कॉन टेम्पल जो पुराना वाला अपना स्टेशन वाला जो पाल होटल था वो नहीं, यहाँ पे जो पाल होटल है उसके पास ये इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है। इसके अंदर आगे की हम बात करें तो मुख्य द्वार पे तीन द्वार है। यहाँ पे सामने की ओर आपको अगर दिख रहा होगा तो तीन द्वार है और तीन द्वार से श्रद्धालु अंदर की ओर जा सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है सुबह का जो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट का जो टाइमिंग है 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। सामने जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं और इस तो यहाँ पे एक शू स्टैंड है, यहाँ पे चप्पल जूता खोल के एक। तो फाइनली हम लोग परिसर के अंदर आ चुके हैं और अंदर से ये सीढ़ी है, सीढ़ी से हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे साफ सफाई का बड़ा ही हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मंदिर के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि जो गर्भगृह स्थल है वहाँ पे कृष्णा जी को मिला के जो श्रद्धालुओं की जो कैपेसिटी है वो 5,000 तक यहाँ पे श्रद्धालु भगवान से दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो 2 एकड़ में बना है और साथ ही साथ इस मंदिर की जो ऊँचाई है 108 फुट ऊँची है। तो आइए चलते हैं अंदर की। और मंदिर का जो अंदर का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं हमारे पीछे। ऐसी छटा लग रही है कि जैसा मथुरा और वृंदावन द्वारिका जो गुजरात में है उसके बाद हमारा जो स्थान है पटना का वो तीसरा स्थान है। साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में भी इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की जा रही है छोटा छोटा, साथ ही साथ गाँव की तरफ भी ये रुख करेगा। तो अभी तीन मंदिर है, ये जो मंदिर है वो राम लक्ष्मण जी का है, ये जो है कृष्ण जी का और राधिका का है और वहाँ पे एक और है अंदर में तीन, इधर एक कान्हा जी का स्पेस है। सर कहाँ से आए? मायापुर जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल। कैसा लग रहा है यहाँ का?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक आए। तो मिलते हैं आगे की ओर, और अभी के लिए लेते हैं आपसे।